हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपिसोड 5 मार्वल जॉम्बीज वॉल्यूम 2 का, और इससे पहले कि सीरीज़ की लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर, लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम देखते हैं ग्लैडिएटर को, जो गुस्से में कह रहा था, हट जाओ मेरे रास्ते से, इस फोर्स फील्ड में जो भी है वो मेरा है, आज मैं खाऊंगा जब तक मैं फट नहीं जाता, और तुम में से कोई मुझे रोक नहीं सकता। तब ब्लैक पैंथर और स्पाइडी कहते हैं, तुम ऐसे नहीं थे, तुम अच्छे आदमी हो, तुम लीडर थे शार इंपीरियल गार्ड के। तब ग्लैडिएटर कहता है, शार को तुमने तबाह किया और तुम्हें उन्हें खाया, और अब मैं तुम्हारे लोगों को खाऊंगा। सुनकर टचाला ग्लैडिएटर पर हमला कर देता है, और वास्प कहती है कि सरेंडर करो ताकि हम तुम्हें हमारे बारे में बहुत कुछ सिखा सके। उस पर ग्लैडिएटर टचाला की छाती में होल कर देता है। तब हम देखते हैं जायंट मैन का पैर फोर्स फील्ड की वजह से टूट चुका था, और वो आयरन मैन से पूछ रहा था कि ये वॉल क्या है, जिस पर आयरन मैन कहता है ये एक फोर्स फील्ड है जो हमें ज़्यादा देर रोक नहीं पाएगी। तब स्पाइडी ग्लैडिएटर पर हमला करते हुए कहता है, तुम्हें यह करने की ज़रूरत नहीं है, ये भूख कम हो रही है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। उस पे वास्प कहती है कि ये सही है, ये दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। उस पे ग्लैडिएटर स्पाइडी को बीच में से फाड़ कर कहता है, मैं ये करना चाहता हूँ। तब वास्प अपनी रोबोटिक बॉडी से ग्लैडिएटर पर ब्लास्ट छोड़ती है, जिस पर ग्लैडिएटर कहता है ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तब वास्प बताती है, इससे मुझे अच्छा लग रहा है, प्लस ये एक डिस्ट्रैक्शन है। तभी लूक अपनी बची हुई आधी बॉडी के साथ ग्लैडिएटर को पीछे से पकड़ कर कहता है, स्पाइडी क्या तुम अब भी हमारे साथ हो? उस पर स्पाइडी जवाब देता है, हाँ ऐसा लगता तो है। तब बाहर से सभी जॉम्बीज फोर्स फील्ड पर वार कर रहे थे, जहाँ जायंट मैन कहता है ये काम नहीं कर रहा, हम इसे तोड़ नहीं सकते तो हम इसके नीचे से जाएंगे, खोदना शुरू करो। दूसरी तरफ लूक केज ग्लैडिएटर के फेस पर कॉस्मिक बीम छोड़ते हुए कहता है, तुम एक हेवी हिटर और प्लैनेट मूवर बेशक हो सकते हो, पर यह मत भूलो हम में से कुछ के पास अब भी कॉस्मिक पावर्स है, क्योंकि गैलेक्टस की पावर्स का कुछ हिस्सा है। उस पर ग्लैडिएटर लूक केज को पंच मारकर गिराते हुए कहता है, अब अगला कौन है? अब टोनी के पुराने आर्मर में कोई ग्लैडिएटर को नीचे गिराते हुए कहता है, अब मेरी बारी है। तब आयरन मैन बाहर से उस आर्मर को देख कर कहता है कि उस आदमी के पास मेरा पुराना आर्मर है। तब ग्लैडिएटर आर्मर के पंच से उभरते हुए कहता है, चलो पता लगाते हैं कि अंदर कौन है। लेकिन तभी स्पाइडी उसे कॉस्मिक बीम में कैद करके कहता है, इसे एक जगह पर पकड़ कर रखो। तब स्पाइडी उस पर अपनी बीम फोकस करता है, जिससे ग्लैडिएटर फट जाता है और मर जाता है। तब स्पाइडी लूक केज का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें कीड़े जैसे लग रहे हो, जिस पर लूक केज उसे अप्रिशिएट करके कहता है, हाँ लग ऐसा रहा है जैसे मैं 100 से सिर्फ 80 पाउंड बचा हूँ। और टोनी के पुराने आर्मर में वो आदमी वास्प की मदद करने चला जाता है। तब आयरन मैन पूछता है, कौन हो तुम, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तब वो आदमी बताता है, मैं तुम्हें यह बताना तो नहीं चाहता, पर स्टार्क इंटरनेशनल के दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए। तब हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि फोर्स था। उस पर आयरन मैन उससे पूछता है, तुम जिंदा हो? उस पर फोर्स बताता है, हाँ और कुछ दिनों के लिए तो हूँ, पर तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे, इसलिए कोशिश करना बेकार है। तब जायंट मैन टोनी को अपने साथ चलने को कहता है, और बाकी बचे जॉम्बीज भी उसके साथ चले जाते हैं। तब हम देखते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग, जो एक ज़माने में फैंटास्टिक फोर का घर था। सारे जॉम्बीज अंदर जाने के बाद जायंट मैन उनसे कहता है, हमें जल्द से जल्द वो गेटवे ढूंढना होगा जो रीड ने बनाया था। लेकिन तभी रोबोडॉक्स उनका रास्ता रोक लेते हैं और सारे जॉम्बीज उनसे लड़ने लगते हैं, जहाँ वुल्वरिन पूछता है, आखिर ये है क्या? उस पर टोनी कहता है, शायद ये रीड का डिफेंस है जो अटैक के बाद एक्टिव हो गया होगा। तब जायंट मैन पूछता है कि इस सब के बाद इसे किसने एक्टिव किया होगा। तब हम देखते हैं एस्ट्रॉयड एम पे रेनॉल्ड्स ब्रूस को देखकर पूछ रहा था इसके साथ क्या करना है। उस पर फॉर्ज बताता है, इसे बेहोशी रखो ताकि यह हल्क बनकर हमारी मुसीबत ना बढ़ाए। तब रेनॉल्ड्स टचाला से उसका हाल पूछता है। उस पर वो जवाब देता है, मैं ये होल देख सकता हूँ पर महसूस नहीं कर सकता। उस पर वास्प, जिसका सर उसके रोबोटिक बॉडी से अलग हो चुका था, वो भी यही कहती है।
तब रेनॉल्ड्स उसे मिसेस वास्प कहकर मदद करने जाता है, जहां वास्प कहती है सिर्फ मिसेस वास्प को हो या फिर जेनेट।